बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया जद्दा बनी मालिक अल बेक रोस जो के सिद्दीन कुबरी के साथ ये बोल रहे हैं। यार यहाँ आप कुबरी फलस्तीन के साथ बोल रहे हैं, पीछे आपको शीशे में इसका लोगो दिख रहा होगा। यहाँ से लाइव हूँ, बताना ये चाहता था। बहरहाल मैं डॉलर और रियाल रेट के मतलब बात करेंगे। जद्दा में सर्दी है जी, मैंने इसलिए ये जैकेट वगैरह हल्की सी एक और ऊपर से ये कैप ली हुई है। डॉलर के अगर मुतल्लक बात करें तो इस वक्त 176.98 रुपये, यानी कि 170 रुपये हो चुका है। ओपन मार्केट में 180 रुपये रेट हो चुका है डॉलर का इस वक्त। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका था कि डॉलर अभी तेज़ होने वाला है। और अगर रियाल रेट के मुतल्लक बात करें, मैं आपको रेट बता दूँ, फिर आपके साथ एक मैं परदेसी भाइयों के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन फिर भी हम यही बोलते हैं कि रुपया की कदर बेहतर ही हो, लेकिन जो यहाँ से पैसे भेजते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर ही होगी। वो क्या जी, पहले आप रेट देख लें। बैंक अल जजीरा, फौरी बैंक जिसे बोला जाता है, 46.63 रुपये इनका रेट है। अच्छा, करंट रेट आपको बता दूं मैं, वैसे 47.50 के ऊपर चल रहा है जी, ठीक है। एसटीसी पे 46.38 रुपये रेट है और 17.25 रियाल इनकी फीस है। तहवील अल राजी 46.15 रुपये रेट है, 10 रियाल फीस है। वेस्टर्न यूनियन 46.57 रुपये इनका रेट है जी और 23 रियाल इनकी फीस है। मनीग्राम की बात करें 46.82 रुपये, यानी कि 47 के करीब पहुंच चुका है ये मनीग्राम का रेट और 23 रियाल फीस है। फीस अपने जहन में रखिएगा, ये आपको अलहदा से देनी पड़ेगी। और इसके अलावा टेलीमनी एएनबी बैंक बोर्ड 46.10 रुपये है जी और इनकी 15 रियाल फीस है। वैसे करंट रेट 47.50 के ऊपर जा चुका है। मुझे खुद से ये फील होता है, खुद से लग रहा है, जो मैं अभी तक के हालात देख रहा हूँ, कि आने वाले 1 से 2 माह के अराउंड में भाई रियाल 50 के ऊपर ज़रूर जाएगा। अभी अगर आप पैसे, जाहिर सी बात है मेहनत मजदूरी करने वाले भाई पैसे घर भेजेंगे तो निज़ाम चलेगा, अगर आपके पास ज़ायद पैसे हैं तो थोड़ा रोकें। मेरा खुद से मानना ये है कि 50 के ऊपर जाने वाला है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, तब भेजिएगा, मज़ा आएगा।